I'm not gonna lie, 다들 하지 뻔한 이야기. Her brain fried. My lady popping zany, other lady popping molly. Why she waiting on me? 여기 나의 area, 여기 my area. Keep on heading if you want. I drive it like a nut. I don't wanna hear you. 지겹잖아 이제 넌 like I'm Bango, cutting my hair. I just keep going though. 소신껏 날 믿고 I fly non-stop. Kelly에서 New York 구름 위로 hop on. Drive out and riding birds. Honeyberry counting doves. I do what I wanna do. 그게 나의 money world. 너넨 꿈 꾸지 말만 많지. Just do it. Like Nike, just do it. Hello guys, welcome to Times Square, crossroad of the world. Hello guys, तो फिलहाल अभी हम आ गए हैं Times Square. ये US का number one attraction है. ये जो टाइम्स स्क्वायर है इसको क्रॉस रोड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है. जैसे कि हमने कहा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हर जगह आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक बिलबोर्ड्स दिखेंगे. और वो जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं वो है बिल्डिंग वन, टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग जो ऊंचा है, और उसके पास द फेमस रेड स्टेयर्स है. Never sleep on me. I saw my chains. You can know I go get it with you. तो गाइज आपको बैटमैन से या गोरिला से मिलना है. ये देखिए, हमारे पीछे बैटमैन भी है और गोरिला भी है. तो अगर आपको न्यूयॉर्क आके बैटमैन से मिलना है तो यहाँ पे टाइम्स स्क्वायर पे आप आ सकते हो. ये देखिए, हमारे पीछे ही ठहरा है. गाइज यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको मिल जाते हैं, या तो बैटमैन हुआ, या गोरिला हुआ, या डिज्नी के कैरेक्टर्स हुआ, या सिंड्रेला हुआ. तो अगर आप उनके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं तो खुशी खुशी खींच लेते हैं, पर हाँ, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं. हम न्यूयॉर्क और टाइम्स स्क्वायर बहुत बार आ चुके हैं. जब भी यहाँ पे आते हैं यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही इलेक्ट्रिफाइंग रहता है. बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे आके. एक बात तो है, क्योंकि यहाँ पे एक हर जगह रंग बिरंगी इन बिलबोर्ड्स है, और ये जो बिलबोर्ड्स है ये 24 आवर्स चलते रहते हैं. देख सकते हैं आप मेरे पीछे द फेमस रेड स्टेयर्स इन टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क. तो चलिए चलते हैं ऊपर और वहाँ से देखते हैं कि कैसा दिखता है पूरा टाइम्स स्क्वायर. There's only so far I can ride in your dreams. While you were chasing everything else but me, I'm starting to break out from the gray. See, I finally opened up my eyes, and I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. अभी हम फिलहाल बैठे हुए हैं ये फेमस रेड स्टेयर्स पे. अभी तो ये दिन है, दिन में ऐसा दिख रहा है. जब रात होती है तो यहाँ की चमक ही अलग रहती है. हम आपको रात का भी व्यू दिखाएंगे. फिलहाल वो रात और ये दिन के व्यू के बीच पर ऐसी जगह लेके जाने वाले हैं जो आप देख के अचंभित हो जाएंगे. हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं, आपको कौन सा व्यू दिखाने वाले हैं. तो गाइज, आपको क्या मालूम है, ये जो न्यूयॉर्क सिटी है, एक ज़माने में ये अमेरिका का कैपिटल हुआ करता था. जी हाँ, वॉशिंगटन DC जो अभी का फिलहाल कैपिटल है अमेरिका का, उससे पहले ये न्यूयॉर्क अमेरिका का कैपिटल सिटी था. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस टाइम्स स्क्वायर के बारे में, ये टाइम्स स्क्वायर का असली नाम पहले लॉन्ग एकर स्क्वायर था. नीचे मैं दे दूँगा एग्जैक्ट स्पेलिंग उसका क्या है, लॉन्ग एकर स्क्वायर. तो बाद में उसको लॉन्ग एकर स्क्वायर को चेंज करके टाइम्स स्क्वायर किया गया. वो टाइम्स स्क्वायर क्यों किया गया अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा. ये जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है वन टाइम्स स्क्वायर. एवरी ईयर न्यू ईयर पे यहाँ पे बॉल रोल होता है, और इस पूरी जगह में हज़ारों लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं. यहाँ पे हिलने के लिए भी जगह नहीं रहती है. और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब न्यू ईयर होता है इतनी भीड़ रहती है, लोग यहाँ पे दोपहर से क्यू लगा के ठहरते हैं और हिलते भी नहीं है. और हाँ, वो लोग, बहुत सारे लोग उनमें से डायपर भी पहन के आते हैं, ताकि अगर उनको टॉयलेट जाना पड़े तो वहीं पे करें, ताकि वो जगह छोड़ के हिले ना. ये एक फैक्ट है यहाँ का. और हाँ, जैसे कि मैंने बोला, ये है वन टाइम स्क्वायर.
और जैसे मैंने बोला, इसका पहले इसका नाम था लॉन्ग एक्रे स्क्वायर। जब 1904 में न्यूयॉर्क टाइम्स का ऑफिस यहाँ पे मूव हुआ, ये न्यूयॉर्क टाइम्स का ऑफिस भी है, जो जब यहाँ पे न्यू हुआ तब इसका नाम लॉन्ग एक्रे स्क्वायर से निकाल के टाइम्स स्क्वायर किया गया। जी हाँ, और जब हम यहाँ पे टाइम्स स्क्वायर पे आते हैं, यहाँ पे टाइम्स स्क्वायर में आजू बाजू बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं। यहाँ पे आपको मैडम टुसाड का म्यूजियम मिल जाएगा और बहुत सारे ब्रॉडवे के यहाँ पे शोज़ होते हैं जिसके टिकट यहाँ पे बिकते रहते हैं, आप उनको खरीद सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे आपको हॉप ऑन हॉप ऑफ बस के टिकट बेचने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे और अगर आप नेगोशिएट करोगे तो बहुत सारा डिस्काउंट देंगे आपको। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं हर्षी स्टोर। जी हाँ, यहाँ पे एक हर्षी का स्टोर भी है, तो हम जाते हैं हर्षी स्टोर में, चेक करते हैं वहाँ पे क्या क्या है बोल के। हम हर्षी नहीं, हम जा रहे हैं M&M स्टोर, वो भी यहीं पे है, तो हम जाएंगे M&M को स्टोर और आपको दिखाएंगे वहाँ पे। गाइज, ये M&M स्टोर एक चॉकलेट स्टोर है और ये जो M&M चॉकलेट्स रहते हैं ये जेम्स जैसे रहते हैं, ज़्यादा पल्लवी आपको बताएगी। जैसे इंडिया में हम लोग जेम्स की जो छोटी कलरफुल गोलियां मिलके चॉकलेट कैंडीज, सेम वैसा ही M&M रहता है, कलरफुल सब कैंडीज रहते हैं, अंदर चॉकलेट रहता है, ऊपर शुगर कोटेड रहता है, बहुत ही टेस्टी रहता है। तो आपको दिखाएंगे पूरा स्टोर इनका। आप ये देख सकते हैं M&M कैंडी का हार्ट शेप बॉक्स, ये आपको $25 में दो मिल जाएंगे। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, M&M स्टोर ये 2 फ्लोर्स का है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा स्टोर है न्यूयॉर्क में। हमारे पास भी ऐसा ही सेम रेड कलर का मग है, हमारे पास M&M का बहुत ही क्यूट है। अलग अलग कलर के M&M कैंडीज है, आप यहाँ पर LB ऐसा आप ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर LB का रेट रहता है और आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो M&M कैंडी का यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसा एक सेम बनाया है यहाँ पे स्टैचू। तो गाइस, फिलहाल हम अभी आए हुए हैं एज। जी हाँ, हम लोग जाने वाले हैं एज में, एक नया अट्रैक्शन खुला है यहाँ पे US में लाइक लास्ट 2 ईयर में, और हम लोग जाने वाले हैं स्काई ऑब्जर्वेटरी में, ये है 100th फ्लोर पे। तो चलिए जाके यहाँ का बेहतरीन नज़ारे का व्यू देखते हैं। ये जो एज है एक मॉल में है, हमको लाइक 4th फ्लोर पे उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो फिलहाल हम जा रहे हैं एस्केलेटर से 4th फ्लोर में मॉल में, और इधर से हम जाएंगे एज में हम 100th फ्लोर पे जाने वाले हैं। और आप पीछे देख सकते हैं वेसल, जो नया एक बिल्डिंग है न्यूयॉर्क का। और अभी हम आ गए हैं एज के अंदर, यहाँ पे आपका वैक्सीनेशन का प्रूफ ज़रूरी है, तो अगर आप आ रहे हो तो आपका वैक्सीनेशन प्रूफ आपके साथ रखिएगा। तो जब यहाँ पे अंदर आते हैं तो बहुत ही इलेक्ट्रिफाइंग एंट्री है, आपने देखा बहुत ही कलरफुल और लाइटफुल एंट्री है। तो अभी हम जाएंगे हमारे लिफ्ट में और जाएंगे 100th फ्लोर पे। तो गाइस, अभी हम आ गए 100th फ्लोर पे। पहले यहाँ का मैं थोड़ा एक व्यू दिखाता हूँ और बाद में जाएंगे हम लोग बाहर आउटर डेक पे और वहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, और इसको एज क्यों बोलते हैं हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो गाइस, ये देखिए हमारे पीछे कितना ब्यूटीफुल व्यू है 100th फ्लोर से। ये यहाँ पे ग्लास है लेकिन ऊपर कुछ नहीं है, ये ओपन है। तो आप अगर पीछे देखोगे तो दूर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिख रहा है, और ये पीछे जितने भी व्यू दिख रहे हैं ये पूरा लोअर मैनहट्टन का है। यहाँ पे
बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। हाँ, पल्लवी को यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी दिखा, बहुत दूर है, बहुत छोटा दिख रहा है, मेरा कैमरा उतना जूम नहीं करता है, फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, आपको दिखाऊंगा। तो ये अगर आप देखोगे बीच, ये रिवर है और इस साइड न्यूयॉर्क है और इस तरफ न्यू जर्सी है, और बीच में जो जा रहा है वो हडसन रिवर है, और इस प्लेस को जहाँ पे हम आए हैं अभी, इसको हडसन यार्ड बोलते हैं, और ये है हडसन यार्ड में द एच बिल्डिंग, और हम हैं अभी 100th फ्लोर पे, और ये है स्काई ऑब्जर्वेटरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज में 100th फ्लोर पे, यहाँ पे एक बीच में कांच का पूरा एक बना है, आप डायरेक्ट मतलब नीचे देख सकते हैं, बहुत ही डर लग रहा है जाने को। 100th फ्लोर के नीचे आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट पूरा ये कांच है, उसके ऊपर आप बैठ सकते हैं या खड़े रह सकते हैं, बहुत ही डर लग रहा है जाने को, लेकिन आपको दिखाते हैं। गाइस, अभी हम लोग ग्लास पे ठहरे हैं और नीचे 100th फ्लोर नीचे रोड हमको दिख रहा है, ये क्लियर ग्लास है, ऑलमोस्ट 2000 फीट है, ये देखिए हमारे पैर के नीचे। ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है जो वो ग्लास पे वॉक है, और आप पूरा नीचे 100 फ्लोर्स नीचे आप देख सकते हो, नीचे बहुत छोटे छोटे कार्स दिख रहे हैं, रोड पे बहुत नीचे है। और हाँ, अगर हम इस तरफ देखेंगे, ये है द एज जहाँ पे एक ज़बरदस्त व्यू मिलता है, अभी हम थोड़ी देर में वहाँ पे जाएंगे और एक ज़बरदस्त फ़ोटो खींचेंगे, और मैं वहाँ से आपको एक व्यू भी दिखाऊंगा, फिलहाल उसके लिए लाइन है, आप देखिए थोड़े बहुत लोगों ने लाइन लगा के ठहरे हैं। हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर तक है, जब सनसेट होता है तो उस तरफ ज़बरदस्त सनसेट दिखता है, तो हम सनसेट देख के फिर यहाँ से जाएंगे। जो इस 100th फ्लोर पे आए हैं, आज का हाईलाइट है हमारे लिए ये ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा वो जो ग्लास पे हम ठहरे थे वो ज़बरदस्त है। हाँ, जब हम थोड़ा उस ग्लास पे जाना चाहते हैं तो पेट में थोड़ा बहुत हलचल होता है, डर लगता है, बट यकीन मानिए ये एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है 100th फ्लोर के ऊपर ग्लास पे ठहरने का, और नीचे पूरा बिल्डिंग्स और कार्स देखने का जो 2000 फीट नीचे है। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरे न्यूयॉर्क के स्काईस्क्रेपर्स, और आप हमारे पीछे दो तीन आइकॉनिक बिल्डिंग्स देख सकते हैं। एक बिल्डिंग जो हमारे पीछे यहाँ पे वो है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जो पल्लवी अभी हाथ करके बता रही है, ये देखिए ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, और उसके बाजू में ही क्राइसलर बिल्डिंग है, शायद ही दिख जाएगा, हाँ ये देखिए क्राइसलर बिल्डिंग, और बहुत सारे जो न्यूयॉर्क के फेमस स्काईस्क्रेपर्स है वो सब हमको यहाँ से ज़बरदस्त व्यू मिल रहा है।
अभी हम आ गए हैं वेसल, ये देखिए आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली लिट किया गया है लाइट में। ये वेसल जो है ये लाइक एक 16 स्टोरी का बिल्डिंग है, इसमें कुछ है नहीं, हमको सिर्फ ऊपर तक जाके व्यू लेना है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऊपर जाने का अभी बंद कर दिया है फॉर सम अनफोर्सीन रीजंस। ये वेसल बनाने के लिए लाइक अराउंड $200 मिलियन खर्च किया गया है, फिलहाल इसका अभी कुछ यूज़ नहीं है, सिर्फ देखने के लिए है। ये एग्जैक्टली एज के सामने ही है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे ब्यूटीफुल पिक्चर्स एज के सामने ले सकते हो और एक ब्यूटीफुल व्यू। और ये जो बिल्डिंग है ये पूरा का पूरा कॉपर से बना हुआ है, बाहर से दिखने के लिए हनी वेब जैसा दिखता है बट इसका कॉन्सेप्ट जो अंदर से है जहाँ तक मैंने गूगल में पढ़ा है विकी में, ये एक इंडियन स्टेप वेल के कॉन्सेप्ट बनाया गया है। तो यहाँ से एज से और वेसल से इतना ही, हम आपको मिलते हैं वापस टाइम्स स्क्वायर में। तो गाइस अब हम वापस से लौट के आ चुके हैं टाइम्स स्क्वायर। तो आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे कैरिकेचर्स बना के रखे हुए हैं पेंटिंग। तो आप जब यहाँ पे आते हो तो आप अपने ऐसे कैरिकेचर्स बना सकते हो, आपके भी बनाते हैं और यहाँ पे जो पेंटिंग बना के रखे वो भी बनाते हैं। और जो वो कैरिकेचर्स बनाते हैं बहुत क्विक रहता है और लाइक यूजुअली $5 to $10 वो लोग लेते हैं। मैंने बोला था अभी टाइम्स स्क्वायर पे है और आप देख सकते हैं पीछे कार्ड्स है और ये देखिए यहाँ पे कार्ड्स की पूरी लाइन ही लगी पड़ी है। तो यहाँ पे जब आप आते हो ऐसे वाले कार्ड जरूर ढूंढना और उस पर एक बार ट्राई करना, यहाँ पे वेज भी मिलता है तो ट्राई करना बहुत अच्छा रहता है। यह है नाइट का व्यू, आप देख सकते हैं कितना इलेक्ट्रिफाइंग व्यू है ये रात का। हमने आपको दिन का भी व्यू दिखाया था और ये देखिए नाइट का व्यू। Guys, anyone else? Thank you so much. And where are you from? India. Stop the sale! I just got $20 from India. Max Sheldon. India number one. Pakistan number two. Like I'm Bango, cutting my hair. I just keep going though, so she's gonna make fly, fly non-stop. Kelly is in New York, 구름 위로 hop on. Drive out and riding birds, honey berry counting gobs. I do what I wanna do, 그게 나의 money one. 너는 꿈 꾸지 말만 많지, just do it. Like Nike, just do it. Get to know me and I, net flow. 갓 잡은 눈이 분위기는 chill. Fendi snakes on my belt, yeah I'm feeling first class. Yo, it on cash flow. Ooh, pop it on my glass. Ooh, pop that pass. Ooh, smoke that gas. Cash pay, blackjack. Monkeys on my pick. 100, 200, multiply. Dollar sound, smile. तो गाइज ये था न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर का एक झलक जहाँ पे आपने देखा वो ब्यूटीफुल एक्ट। मैंने दोपहर में बोला था यहाँ पे बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, बहुत सारे परफॉर्मेंस होते थे, तो अभी आपने देखा एक परफॉर्मेंस। तो गाइज आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। हम आशा करते हैं आज का ये व्लॉग टाइम्स स्क्वायर एज आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को जिसका नाम है गोवा अमेरिका। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरीके से फिर जल्दी मिलते हैं न्यूयॉर्क सीरीज कंटिन्यूइंग और एक अच्छा ब्लॉग लेके। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल, प्लीज कीप लविंग अस, प्लीज कीप मोटिवेटिंग अस, टेक केयर एंड स्टे सेफ। Yeah. I'm not gonna lie, darling, how's it gonna yagi, her brain fried. My lady poppin' zenny, other lady popping molly, why she waiting on me? Yogi my area, yogi my area. Keep on heading if you want, I drive it like a nut. I don't wanna hit.